अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले जो हमने बैटरी तैयार की थी, आज हम इसे मोटर बाइक में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस बैटरी के बनाने की वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लैपटॉप की पुरानी बैटरीज में से 1850 लिथियम आयन सेल निकाल कर इसमें इस्तेमाल किए गए थे। इन सेल को लोड टेस्टर के साथ चार्ज और डिस्चार्ज करके चेक किया गया था और जो 2500 mAh के लगभग अच्छी कैपेसिटी के सेल थे वही इसमें इस्तेमाल किए गए थे। लिथियम बैटरी बनाते हुए अगर इस्तेमाल शुदा सेल का दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इनकी चार्ज कैपेसिटी ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए। इसमें 8-8 सेल के 3 पैरेलल ग्रुप्स को आपस में सीरियल में जोड़कर 12.6 वोल्ट हासिल किए गए हैं। इस तरह ये कैपेसिटी में तकरीबन 20 एम्पीयर की बैटरी है। इसमें 100 एम्पीयर का BMS इस्तेमाल किया गया है ताकि सेल मोटर को चलने में कोई दुश्वारी ना हो। लिथियम बैटरी में BMS सर्किट का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, तहम अगर रेगुलेटर रेक्टीफायर तब्दील करके लिथियम बैटरी वाला रेक्टीफायर इस्तेमाल कर लिया जाए तो अच्छी बात है। बैटरी बनाने के बाद इसको कई तरह के टेस्ट मराहल में से गुजारा गया, जिसे पता चला है कि बैटरी जब तक 4.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक कनेक्टेड रहती है और जब तक 9 वोल्ट तक चार्जिंग बाकी रहती है सेल्फ मोटर भी अच्छे से काम करती रहती है। चलिए अब इसे बाइक में लगाते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करती है। CB150F बाइक की बाई जाने वाले साइड कवर में से हम टूल किट निकालेंगे। बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए हमें 8 mm और 10 mm के रिंग स्पैनर या सॉकेट और स्क्रू ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। होंडा CB150F में बैटरी दाएं साइड वाले कवर में होती है। अब हम दाएं साइड वाला कवर खोलेंगे। बैटरी निकालते हुए पहले हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसी तरह जब बैटरी लगा रहे होते हैं तो हमेशा पहले पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन मजबूती से लगा लेते हैं और बाद में नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं।
लिथियम बैटरी के लगाने से पहले इस मोटरसाइकिल में ओसाका की स्प्रिंग 10 बैटरी जो कि 9 एम्पीयर की होती है इस्तेमाल की जा रही थी। इसकी डायमेंशन 135x75x140 सेंटीमीटर होती है, इस वजह से बैटरी बॉक्स को अल्टर करके खुला करना पड़ा था। अभी जो बैटरी हमने बनाई है ये जेन्युइन फिटिंग पे बगैर किसी अल्टरेशन के फिक्स हो जाएगी, इसलिए इससे पहले की गई अल्टरेशन को ख़त्म करके हम इसे जेन्युइन फिटिंग पे वापस ले आएंगे। हमारी नई लिथियम आयन बैटरी चौड़ाई में CB150F की जेन्युइन बैटरी से मामूली सी छोटी और ऊंचाई में मामूली सी ज़्यादा लंबी है, जो कि जेन्युइन फिटिंग में आसानी से इंस्टॉल हो पाएगी। सी
KV150F की जेन्युइन बैटरी जो कि 6 एम्पीयर की होती है, इसकी डायमेंशन 132x70x113 सेंटीमीटर होती है। अभी बैटरी को तकरीबन 42% चार्ज कैपेसिटी पर बाइक में इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि बाइक में इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को अच्छे से जांचा जा सके। स्पार्क प्लग की कैप उतार कर हम बाइक को लंबा सेल्फ देकर देखेंगे कि कहीं लंबे सेल्फ पर BMS सर्किट बैटरी को कट ऑफ तो नहीं करेगा। माशाल्लाह बैटरी बहुत अच्छा काम कर रही है।